नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट और मैं हूं ऋषि। आज सिटीजन जर्नलिस्ट में हम सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, जो खूबसूरत हवेलियों का शहर है, किलों का शहर है, और यहाँ एक झील के बीचों बीच बना है जल महल। इस जल महल की हालत बेहद ख़राब थी, करोड़ों रुपए की लागत से इसका पुनरुद्धार किया गया, मगर ये कानूनी दांवपेच में फंस गया और इसे आम लोगों के लिए खोला नहीं जा सका है। सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर रूबी खान अपनी कोशिशों के बारे में बता रही हैं ताकि इसे आम लोगों के लिए खोला जा सके, पर्यटकों के लिए इसे खोला जा सके। मैं हूं रूबी खान और आज मैं आईबीएन 7 की सिटीजन जर्नलिस्ट इसलिए बनी हूं ताकि मैं आपको बता सकूं और दिखा सकूं कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये सुंदर जल महल आम जनता और पर्यटकों की पहुंच से बहुत दूर है, वे इसे अंदर से नहीं देख सकते। दो साल पहले बने इस जल महल पर वक्त ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया तो इसकी मरम्मत की जरूरत महसूस की जाने लगी और फिर इसकी मरम्मत का काम 2006 में शुरू हुआ। राज्य सरकार ने काम की जिम्मेदारी जल महल रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी। धीरे धीरे यहां की तस्वीर बदल गई। अब जल महल इस तरह का दिखता है। बिना उसके आर्ट एंड कल्चरल वैल्यू को छेड़छाड़ किए हुए, उसको वैसे ही रखते हुए उसको वापस पुनर्जन्म या पुनर्जीवित करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। जैसे कि जो हिस्टोरियंस हम लोग ने एंगेज किए, जो कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स हम लोग ने एंगेज किए, जो एनवायरमेंटलिस्ट हम लोग ने एंगेज किए, वो रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड्स में। अब सवाल ये है कि आखिर इस सुंदर जल महल को किसकी नज़र लग गई जो तैयार होने के 2 साल बाद तक पर्यटकों का इंतज़ार कर रहा है। इस विषय में मैंने आला अफसरों से लेकर मुख्यमंत्री महोदय तक को पत्र लिखे, लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है। और यही कारण है कि मैं आज आम आदमी को साथ लेकर आवाज़ उठाने के लिए मजबूर हुई। इस दौरान मुझे अखबारों से पता चला कि कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में शिकायत की है कि मरम्मत के दौरान जल महल की हेरिटेज बिल्डिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। साथ ही मरम्मत के काम की टेंडर प्रोसेसिंग और आसपास की जमीन की लीज में गड़बड़ी की गई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जल महल को मूल स्वरूप यानी जैसा पहले था वैसा ही करके राज्य सरकार के हवाले कर दिया जाए, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही जल महल की देखरेख जल महल रिसोर्ट को जारी रखने का आदेश दिया। लेकिन सरकार इस मामले में ढुलमुल रवैया अपना रही है और जल महल को पर्यटकों के लिए नहीं खोला जा रहा है। स्थानीय लोग अक्सर यहां जल महल के सामने जमा होकर धरने पर बैठ जाते हैं, अपने गुस्से का इजहार करते हैं। मच्छर इतने थे कि आप बाहर 1 मिनट के लिए शाम में बैठ नहीं सकते थे। उसके वजह से बच्चों में तमाम बीमारी आए दिन, कभी मलेरिया की शिकायत, कभी किसी को वोमिटिंग की शिकायत, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। शर्म आती थी ये कहते हुए कि हमने जलमहल के पास के अंदर कोई ज़मीन ली है। जलमहल में क्या नाम है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और क्या नाम है, तफरीगा बन गई है और जलमहल का पानी साफ रहे। आज मैं जा रही हूं राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन के पास ये जानने कि आखिर जल महल आम जनता और पर्यटकों के लिए कब खुलेगा। जल महल के मामले में अब जो भी निर्णय करना है वो मैंने पहले भी आपको कहा कि उच्चतम न्यायालय को ही करना है। जब कोई मामला उच्चतम न्यायालय में होता है तो उसके बारे में हमारी कोई भी टिप्पणी करनी और उचित नहीं होगी। पर्यटन अधिकारी के रवैये से साफ महसूस होता है कि वे मामले को टाल रहे हैं, लेकिन मैं अब इसमें चुप नहीं रह सकती। मैं आम जनता को साथ लेके जल महल पर्यटकों के लिए खोलने के लिए आगे बढ़ूंगी। रूबी खान, सिटीजन जर्नलिस्ट, आईबीएन 7। जल महल एक राष्ट्रीय धरोहर है, इसे जल्द से जल्द आम लोगों के लिए खोला जाना चाहिए। इसके ना खोले जाने से पर्यटन उद्योग और सरकार दोनों को ही भारी नुकसान हो रहा है।